आर लिविंग नाउ दिस हॉस्टल। बात चुसी करिए हो गया वहां पे। मैं वो तो यार बेल्ट तुम निकाल दिया ब्रो, निकाल दिया वापस में। नहीं मैंने निकाल के रखा था, पता नहीं कहां गया। तो अभी हम यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना है तो हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये लाइन देख रहे हो आप, तो आगे टैक्सी नहीं जा सकती, आगे पूरी लाइन ही लाइन दिखेगी आपको। तो अभी हम थोड़ा आगे आगे मतलब काफ़ी लाइन से, और थोड़ा प्रोडक्ट में गए दोस्त कुछ लेने, तो फिर निकलते हैं। देर इज बॉर्डर, फाइनली हम बॉर्डर के पास आ गए हैं। अब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस होता है। सो यू कैन सी नाउ वी आर स्लोवाकिया, यार एट द स्लोवाकिया बॉर्डर, एंड ही इज द यंग मैन, ही इज हेल्पिंग अस। देर इज अवेलेबल ऑफ एवरीथिंग, देर इज कॉफी, देर इज वाटर, देर इज बिस्किट, and there are good people, they are helping us to move back to our country. Thank you. Thank you so much for helping us. So you can see there is lots of bottles, water bottles, and some biscuits, breads, and biscuits, apples, and some, you can see breads. So there is line, you can see. So बहुत सारे इंडियंस भी हैं यहाँ पे, तो अभी लाइन में लगना है। यहाँ पे ठंड से आग में कर। ब्रो आप कब से खड़े हो यहाँ? आज तो फिलहाल आए, अभी हम 5 बजे से आए यहाँ पे। 5 और अभी टाइम हो गया? 8 बज चुके हैं। ठीक है जी, ज्यादा बड़ी लाइन नहीं है ब्रो, आ जाएगा। तो यही कि आ जाएगा, रात को फ्रेंड्स भी थे वो भी गए थे। अरे हाँ। दिया था हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा नंबर भी आए। अभी फिलहाल के लिए बंद रखा है थोड़ी देर के लिए, सुनने में आया था 8 बजे खोलेंगे, लेकिन 8 बज चुके हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। 8-10 हो गए, गंदा हो गया। ब्रो आप कब आए? मैं 2 घंटे पहले आया। 2 घंटे पहले अभी यही खड़े हो? तो 8 बजे खुलेगा बताया गया, 8 बजे पता नहीं कब खुलेगा, बाद में खुल जाए ठीक है। होप लास्ट हो गई हमारी। हाँ हमारे, ये मेरा वाला भी जाता है। मैं भी सोचूं पर्स में कुछ चीज़ मिसिंग थी, मुझे याद नहीं आ रही थी, बेशक पर्स खोला होगा मुझे याद। हाँ स्टूडेंट कार्ड मैं भूल गया था इसके बारे में, वो तो अच्छा हुआ भाई ने दे दिया। देने पड़े ना, तो ये हमको मैनेज करके ये हमें निकाल भी रहे हैं यहाँ से। तो भाई फाइनली हम यूक्रेन से आगे आ चुके हैं, हमें स्लोवाकिया बॉर्डर आ चुके हैं। तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रही है भाई। अब जाके थोड़ा पता है, अब दिल में उम्मीद जग चुकी है अब कि स्लोवाकिया के बॉर्डर पे अभी हमारा फिर से चेकिंग होगा। भाई वो बॉर्डर है वहाँ पे, पहली बार किसी बॉर्डर पे जा रहा हूँ मैं तो, फाइनली। दिस इज द बॉर्डर, अभी मतलब उधर से आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो मतलब उधर वो पुलिस वाले हैं, तो ज़्यादा दिखा नहीं सकता। देखो स्लोवाकिया में ये चीज़ें हैं, इनमें से हम कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारे। तो जैसे ये ब्रेड बन हो गया, सब फ्री है। तो भाई ने एक एप्पल उठा लिया, जैसे एक ही बहुत है। कितने ले? और ये कपड़े हैं जो बेबी वगैरह है उनके लिए, सब सब फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारे। है ब्रो बिल्कुल फ्री है ना? हाँ ब्रो। तो देख सकते हो आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है हमारा यहाँ पे। इधर ये पानी की बोतलें पूरी, और ये इधर बेबी का प्रोडक्ट है सारे, जिनके पास बेबी है पानी की बोतलें यहाँ से लेके वहाँ तक। दूजे देखो, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। वेलकम, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाउ या
So lots of people are coming in this country. This is Ukrainian people. Yes. Coming here. These people helping them. Okay. Yeah. What help they need? Yeah, in like this is like very panic situation, so for food and everything. So I really appreciate you. Because you're very good person. Because people from some countries. Yes. Oh no, Ukraine. Food. Food, yeah. Did they put in bin? Bin, dustbin, yeah. And go, yeah. And nothing to say. Yes. Oh, okay. And you're from India? Yes, I'm from India. I like India. I have had friend from India. Oh, I was in which city? Around 2000, maybe 7. Oh. Yeah. So I have contact with them now. Okay. So. He's also a good person like you. And what is your name? Natalia. Oh, wow. This name is very popular. Like my teacher's name also Natalia in Ukraine. Yes. I'm half Ukraine, half Slovak. Oh, wow. My mother is from here. My father is from this country. Okay. I'm coming from Ternopil. You know Ternopil. Ternopil. Yeah. No. Yeah. Mm-hmm. You come from Ternopil? Yes. You study there, right? Yeah, I'm a student from medical student. Ah. Yes. How many years are you? Four years. Yeah, this is my fourth year and 2 years more left. Mm-hmm, mm-hmm. After then, I will complete my degree. Where you go now? You were waiting. I'm just going to India. You were waiting. How much? तो अभी सिम लेने आए पोस्टविद का यस आई एम ईटिंग मैन यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं हम तो ये यस पोस्टविद का दिस इज खूबसूरती के साथ खूबसूरत चेहरा और पासपोर्ट नहीं ब्रो पोस्टविद का खाना दिया है इन्होंने तो आपको भी दिखा देता हूँ चलो ये चावल है ये पनीर है और ये दाल मखनी है शायद तो ये बस है इसके थ्रू हम कोई से जगह जाएंगे गुजरात के तो ये गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे गर्ल्स को ड्रॉप किया है तो हमारे लिए आगे है तो अभी उस गर्ल्स के लिए ये वाला तो गाइस फाइनली हम स्लोवाकिया में पहुंच चुके हैं और अभी एम्बेसी से यहाँ आ गए तो अभी हम आपको थोड़ा शुरू से बता देते हैं तो पहले हम उस ग्रोथ गए थे उस ग्रोथ से मैक्सिमम वेटिंग टाइम 2 आवर्स में हम वहाँ से निकल गए थे और बहुत अच्छी सर्विस है उस ग्रोथ बॉर्डर से भी और उस ग्रोथ बॉर्डर के अंडर मतलब अंदर आते ही स्लोवाकियन बॉर्डर के हर मतलब 3 चेक पोस्ट हैं और तीनों चेक पोस्ट पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं खाने से लेके सब चीज़ें और बहुत अच्छा बिहेवियर है स्लोवाकियन बॉर्डर पे सारे कैंप्स हैं सब कुछ है और फिर स्लोवाकिया में मतलब हमें सिम भी मिली है सब कुछ मिला है एक्टिवेट हो गया सब कुछ और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मतलब बस आई थी हमारी बस अभी हमें छोड़ गई है अब हम हॉस्टल में जा रहे हैं स्लोवाकिया जो बॉर्डर है वहाँ पे भी कैसी फैसिलिटी थी स्लोवाकियन बॉर्डर मीन्स फैसिलिटी जो बेस्ट अब तक की है ना सबसे अच्छी स्लोवाकियन पे है क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइडेड आप ए टू जेड खाने से लेके कंबल से लेके कपड़ों से लेके मतलब ए टू जेड सब चीजें सब फ्री है एम्बेसी वालों ने खुद का वहाँ पे टेंट भी लगा के रखा था जो कि मतलब अच्छी वार्म थी तो अच्छा था उन लोग का वेलकमिंग सबसे अच्छा था अभी तक में हम लोग ने जो देखा है
यहाँ पर एम्बेसी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ एम्बेसी का एक बंदा भी मौजूद है जिसने हमारी अच्छी खासी मदद करी, और अभी वो 19 बंदों का एकोमोडेशन कराने गया है। यहाँ पर 3 हॉस्टल दिए गए हैं, एक में 19 गए हैं और एक में 17 जाएंगे। अब उज रोड से 2 किलोमीटर दूरी है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे आके स्लो आके और एम्बेसी का भी अच्छे से ध्यान रख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस, अभी का यही है और फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।